प्रदेश में चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच हिमाचल कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में ये कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हो रही है। 48 घंटे के अंदर कैबिनेट की ये दूसरी बैठक है। बैठक में फिलहाल हर्षवर्धन चौहान और विक्रमादित्य सिंह को छोड़कर सभी मंत्री मौजूद हैं। कैबिनेट की आज की बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। इससे पहले ये बैठक शुक्रवार को 4 बजे के बाद होनी थी। कुछ मंत्री सचिवालय सम्मेलन कक्ष में पहुंच गए थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी सचिवालय पहुंचे, लेकिन कुछ देर चैम्बर में बैठने के बाद मुख्यमंत्री बैठक कक्ष में जाने की जगह सचिवालय से कहीं निकल गए। गौर हो कि 29 फरवरी यानी गुरुवार को भी हिमाचल कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें बजट घोषणाओं को मंजूरी दी गई है। बैठक में ग्राम पंचायतों एवं नगर निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा और प्रदेश सरकार को इस संदर्भ में संस्तुति प्रदान करने के दृष्टिगत 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन का निर्णय लिया गया है। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।